गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स। तो हमने आज स्टार्ट करना लीफ। लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। इट हैज ए ब्रॉड फ्लैट सरफेस कॉल्ड लैमिना। इट हैज टाइनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस फॉर ब्रीथिंग कॉल्ड स्टोमेटा। द स्टॉक विद विच द लीफ इज अटैच टू द ब्रांच इज कॉल्ड द पेट्यूल। तो लीफ, ये हमें लीफ दिखा रखी है बच्चों। लीफ क्या होती है? फूड फैक्ट्री होती है। फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीफ की मदद से ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। इसका जो फ्लैट सरफेस होता है ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं? हम लैमिना बोलते हैं। इस लैमिना के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब कि होल्स होते हैं, जिससे जिनको क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो स्टोमेटा होता है बच्चों, स्टोमेटा से क्या होता है? जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन कहाँ से देते हैं? जो इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। उस स्टोमेटा से ही क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। अब जो हमारे डंठल सा होता है छोटा सा, जो ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं, जो हमारी ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है। लीव्स के पास हैव ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल विच हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब जो हमारे पास लीव्स में एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट का मेन काम तो क्या होता है बच्चों? कलर देने का। ठीक है, ये क्या है? कलर भी देता है हमारे लीव को, क्लोरोफिल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। और दूसरा क्या काम होता है? क्लोरोफिल की मदद से ही क्या करते हैं? ये अपना खाना बनाते हैं। फंक्शंस ऑफ द लीव। इट हैज टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर ब्रीथिंग। हमने देखा ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स क्या सांस लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द लीव्स इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। मतलब कि देखो, जैसे हम लोग मान लो खाना बनाते हैं, ठीक है, अब हम ये तो नहीं बनाते रोटी बना रहे हैं, सब हम क्या करते हैं? कुकिंग कर रहे हैं। कुकिंग क्या है? उस प्रोसेस का नेम है। इन द सेम वे जैसे प्लांट्स जो अपना खाना जो बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस किसकी मदद से होता है? पानी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तभी ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। धूप चाहिए होती है और क्लोरोफिल इसके पास ऑलरेडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ स्टूडेंट्स। इट रिलीजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच प्योरीफाइज द एयर। अब जो हमारी लीव्स होती हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ती हैं जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, अपना खाना बनाते हैं, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हमारी जो हवा है वो क्या होती है? साफ होती है। एक्स्ट्रा वाटर इज इवेपोरेटेड थ्रू स्टोमेटा। जो पौधों के पास पानी ज़्यादा होता है उसको कौन इवेपोरेट करता है? इवेपोरेट मतलब उसको उड़ा देता है भाप बना के, वो कौन करता है? स्टोमेटा करता है। Some leaves like cabbage also store food. Cabbage जो हमारी बंद गोभी होती है, वो cabbage होती है, वो क्या करती हैं? Leaves होती हैं, वो हम देखते हैं उसमें क्या होता है? Food store होता है, क्योंकि उसे हम कैसे use करते हैं? As a vegetable use करते हैं। Flower देखो बच्चों, when the plant grows fully, it starts flowering. जब plant पूरा बड़ा हो जाता है, मतलब कि उसकी growth पूरी हो जाती है, तो उस पर flowers आने शुरू हो जाते हैं। Flower is the most beautiful part of the plant. Some flowers such as rose and jasmine give the pleasant fragrance. जैसे हमारे rose है, jasmine है, उनसे क्या बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। Flowers have bright and attractive colors. और flowers के colors क्या होते हैं? गाढ़े होते हैं और क्या होते हैं? बहुत ही attractive होते हैं, मतलब हमें अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं, आकर्षित करने वाले होते हैं। Functions of the flower. Flowers are used for decoration, सजावट के लिए use होते हैं। They help in reproduction. Reproduction क्या होता है बच्चों? किसी भी नए plant को जन्म देने के लिए के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो फ्लावर्स क्या हैं? रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। सम फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन आर यूज टू मेक परफ्यूम्स। परफ्यूम बनाने के लिए हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। हनी बीज मेक हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। हनी बीज क्या है? फूलों से क्या बनाती हैं? फूलों का रस चूस कर उस रस से क्या बनाती है? अपना शहद बनाती हैं। सम फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर स्टोर फूड एंड आर यूज एज वेजिटेबल्स। अब जो कॉलीफ्लावर है वो लीव्स की तरह भी है और फ्लावर भी है वो उसके ऊपर, तो उसमें क्या फूड स्टोर होता है और हम उसको एक वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। फ्लावर्स बियर फ्रूट्स एंड सीड्स दैट गिव बर्थ टू ए न्यू प्लांट। अब जो फ्लावर्स होते हैं उनसे क्या बनते हैं? फ्रूट्स बनते हैं और सीड्स बनते हैं, जिनसे एक नए पौधे का जन्म होता है। अगले पेज पे आ जाओ बच्चों, फ्रूट्स एंड सीड। फ्लावर्स टेक द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। अब ये फ्लावर्स ही है, वो किसका रूप ले लेते हैं? बाद में फ्रूट्स का फॉर्म ले लेते हैं।
फ्रूट्स के अंदर आपको भी पता सीड्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स हमारे फ्रूट्स ही क्या है, जो फ्रूट्स होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं खाते हैं, तो फ्रूट्स के अंदर क्या होता है खाना होता है, फूड होता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें एक सीड होता है, जैसे मैंगो है, लीची, इनमें एक सीड होता है, जब हम इनको खाते हैं अंदर देखते हैं इनके अंदर एक ही सीड निकलता है, एक ही बीज निकलता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं बच्चों जिनमें ज़्यादा सीड्स होते हैं, जैसे एप्पल में देखते हो आप सीड्स ज़्यादा होते हैं, लेमन में भी, गुआवा में, पपाया में, ऑरेंज में क्या है ज़्यादा सीड्स होते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड्स होते ही नहीं है, जैसे बनाना। फ्रूट्स और सीड्स का फंक्शन क्या है बच्चों, फ्रूट्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड, हमारे खाने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड्स इनसाइड देम, जो फ्रूट्स के अंदर सीड होता है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट्स ही उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर उसके ऊपर फ्रूट नहीं होगा तो वो सीड क्या है ख़राब हो जाएगा, और सीड बनेगा ही नहीं अगर फ्रूट नहीं होगा तो। सीड्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट व्हेन सोन इन द सोइल, जब हम सीड को मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो उससे क्या है हमारा एक नया प्लांट बन जाता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, एक फैक्ट फाइल पे देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे बेसिल हैं, नीम हैं, उनको हम एक दवाई की तरह यूज़ करते हैं। सबसे छोटे सीड किसके होते हैं, ऑर्किड सीड्स, ऑर्किड के फ्लावर्स सुने हुए ना, उसका सीड क्या होता है सबसे छोटा होता है, बनाना में क्या कोई भी सीड नहीं होता। स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है।